हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेल का शरबत, और ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे लू नहीं लगती और जितनी भी पेट की गर्मी होती है वो हमारी ठीक हो जाती है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरीके का बेल आता है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइट होता है तो थोड़ा इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया है। तो अब हम लेंगे जार। तो ये ले लिया मैंने जार। तो अब इसको हमें चम्मच से निकालना है, चाकू से ये या किसी चीज़ से ये नहीं निकलेगा। चम्मच ले लेनी है एक और उसको निकाल लेना है, ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरीके का मैं इसका सारा गूदा निकाल के ट्रांसफ़र कर लूँगी जार के अंदर। तो ये मैंने निकाल लिया है। आप पहले बेल को थोड़ा सा चख लें कि ये मीठा है या फीका है, आपको किस तरीके का जूस इसका पसंद आएगा, मीठा या फीका। तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच ये चीनी का पाउडर डाल देती हूँ। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये ले ली मैंने चलनी, चलनी के नीचे बाउल, क्योंकि इसके अंदर बीज भी होते हैं तो वो भी हमें छानने होते हैं। तो अब ये मैं इसको डाल दूंगी, इसको मैंने पीस लिया है। तो इसको हमें अच्छी तरीके से छान लेना है, और एक ही बेल के अंदर आप इसको 1 से 2 लीटर यानी जूस बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पतला पिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने छान लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीज और जो भी यानी एक्स्ट्रा ये है ये निकल चुका है। तो अब मैं इसको साइड में कर दूंगी, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसको छान के एक स्मूथ पेस्ट हमें मिलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। तो पानी मैं 2 कप डाल रही हूँ और इसको हम कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और फिर करूँगी मैं इसको सर्व। तो ये ले लिए मैंने ग्लास। तो ग्लास के अंदर हम डाल देंगे आइस और फिर डाल हम ये बेल का जूस यानी शरबत। तो हमारा बेल का शरबत बनकर बिल्कुल तैयार है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें, और आपको ये कैसा लगा मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।